हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो अपडेट है मुस्लिम कपल के 2022 में कोर्ट मैच करने के लिए। दोस्तों, अगर आप दोनों अगर मुस्लिम कपल हैं और आपका फैमिली आपके मैच के अगेंस्ट है या सपोर्ट में भी है, आपको किसी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोर्ट मैच सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपना इजिली वन डे में 2022 में कोर्ट मैच करा सकते हैं। 2021 की तरह 2022 में भी कोई रूल चेंज नहीं हुए हैं। दोस्तों, आपका एड्रेस ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी हो, अगर आप दिल्ली NCR में अपना मैरिज कराना चाहते हैं तो इजीली आपका यहाँ पे मैरिज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे वर्किंग हैं या वर्किंग नहीं है, आप अपने स्टेट से आकर के, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स में मुस्लिम मैरिज के लिए कम्प्लीटली 1 मंथ का टाइम लगता है और 1 महीने बाद ही कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। दिल्ली NCR में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका इजली वन डे में ही मस्जिद निकाहनामा और कोर्ट में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अपडेट होकर के आपको कोर्ट से सेम डे में ही मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके लिए आपका यहाँ का लोकल ID हो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और फैमिली की विटनेस हो, ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है, आप दिल्ली NCR में आकर के यहाँ पर जो अपना मैरिज कराते हैं, न ही कोर्ट मैरिज के पहले और न ही कोर्ट मैरिज के बाद कभी भी किसी के घर कोई नोटिस नहीं जाता है और ना ही किसी को मालूम पड़ता है, जब तक कि आप लोग अपनी तरफ से अपनी मैरिज के बारे में किसी को नहीं बताएं। तो दोस्तों, है ना, दिल्ली NCR में कोर्ट मैरिज कराना कितना इजी। मगर दोस्तों, इसके लिए कुछ रूल एंड कंडीशंस भी होती हैं जो आपको एज पर लो फुलफिल करनी होंगी। सबसे पहले, कपल की एज कंप्लीट होनी चाहिए। एज के लिए उनके पास अपना एज प्रूफ होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एज प्रूफ के लिए 10th क्लास सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स भी अगर उनके पास है तो वह आपके एज प्रूफ के लिए काम करेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, DL, पासपोर्ट, डोमिसाइल, अगर इन किसी भी डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास है तो वह आपके कोर्ट मैच में एड्रेस प्रूफ के लिए काम करेगा। दोस्तों, कोर्ट मैच के लिए 2 विटनेसेस भी चाहिए होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि विटनेस आपके फैमिली मेंबर ही हो, विटनेसेस आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली एग्री है तो आप अपनी फैमिली की विटनेस भी करा सकते हैं, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि फैमिली विटनेस नहीं हो सकती है। दोस्तों, विटनेसेस की 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और उनके पास अपना कोई ID एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। दोस्तों, दिल्ली में 1 डे में ही कोर्ट मैच हो जाती है, मगर इसके लिए आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा। उसके लिए आप हमें विद इन वीक पहले ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू डॉक्यूमेंट्स शेयर करके आप अपना बुकिंग करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोर्ट मैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें मंडे टू संडे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है, दिल्ली NCR से जो आपको कोर्ट मैच सर्टिफिकेट इश्यू होता है वह वर्ल्ड वाइड वैलिड होता है। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है और ये डिजिटल होता है। आप इसको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट कैसा होता है दिल्ली NCR का, ये हम आपको दिखा देते हैं। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि काफी स्टेट्स में कोर्ट मैच के नाम पर नोटरी मैरिज, मैरिज एग्रीमेंट, शादी का अनुबंध, नया जाने क्या क्या करा देते हैं। और इवन दिल्ली में भी बाहर के कपल को बुलवा करके कुछ लोग मैरिज के नाम पर केवल निकाह और उनका नोटरी एफिडेविट करा देते हैं। तो आप इस तरीके के लोगों से बचने की जरूरत है, इसलिए मैं आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ कि ये सर्टिफिकेट इस तरीके के होते हैं। ये सर्टिफिकेट दिल्ली का सर्टिफिकेट है, ये इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको और ये ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड होता है। ये सर्टिफिकेट दिल्ली NCR में गाजियाबाद कोर्ट का सर्टिफिकेट, ये भी सेम ही ऑनलाइन रिकॉर्डेड होता है। इस पर वेबसाइट एप्लीकेशन ID नंबर डाला होता है, आप इसको साथ के साथ ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इस तरीके का गाजियाबाद का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट होता है। ये सर्टिफिकेट जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उत्तराखंड का सर्टिफिकेट होता है, ये देहरादून कोर्ट से इशू हुआ है। उत्तराखंड में इस तरीके का सर्टिफिकेट होता है। दोस्तों, यह सब सर्टिफिकेट आपको इसलिए दिखाए गए हैं कि काफी स्टेट्स में काफी जगह कई बार हमारे वकील बंधु ही कपल को मिसगाइड करके कोर्ट मैरिज न करा करके मैरिज एग्रीमेंट और एफिडेविट नोटरी मैरिज करा देते हैं। दोस्तों, अगर मैरिज से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मंडे टू संडे यानी 7 दिन आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जाकर के आप हमें कॉल कर सकते हैं या नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।